फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं Redmi Note 7 Pro दो वर्जन्स में अवेलेबल है, 4GB और 6GB। हाँ दोस्तों, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या आपको ₹3000 एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये बात अलग है कि 128GB स्टोरेज वाला वर्जन अभी सेल पे नहीं आया, चाहे MI हो, चाहे Flipkart हो, चाहे लोकली हो, बट 4GB वाला वर्जन अवेलेबल है। और तो और दोस्तों, आप ये लिंक देख सकते हैं जिसमें हमने दिखाया कि 4GB रैम वर्जन की भी रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं, तो मैं 6GB वर्जन से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और तो और दोस्तों, आप इस बात से भी अग्री करेंगे कि जो रैम मैनेजमेंट है, हम उसका जनरली टेस्ट नहीं करते, या शायद ही आपने कभी अपने फ्रेंड के साथ फोन रख के टेस्ट किया होगा कि देख मेरे फोन की रैम मैनेजमेंट अच्छी है, या फिर आपको याद रहेगा कि हाँ यार ये ऐप लोड नहीं हुई थी। वंस इन अ ब्लू मून आप शायद याद रखें, पर डेली लाइफ में आप इसके लिए इतना टाइम नहीं निकालते होंगे। अगर दोस्तों आप देखें तो ₹3000 एक अच्छा खासा अमाउंट है, जिसके यूज के ऊपर आप और भी कई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप कहीं डिनर पे अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जहां पे उनको एलोकेट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज डू आस्क अस क्वेश्चंस। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको जरूर बताइएगा, और तो और फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमें हेल्प मिलती है और सपोर्ट मिलती है चैनल को और अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की। हम में से हो सकता है कुछ यूजर्स ऐसे हों जिन्हें स्पेसिफिकेशंस पूरी तरीके से नहीं पता हो। तो दोस्तों, जहां तक स्पेसिफिकेशंस का सवाल है, दोनों में सिर्फ रैम और स्टोरेज का अंतर है। स्क्रीन साइज, आयर ब्लास्टर, बैटरी साइज, टाइप सी पोर्ट, वेट, बाकी सब कुछ सिमिलर है दोस्तों। डिफरेंस है सिर्फ रैम और स्टोरेज का। तो आइए फटाफट से एक बार स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालते हैं। हमारा पहला पॉइंट रहेगा सिंगल सिम यूजर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिंगल सिम यूजर हैं तो आपको ऑप्शन मिलती है एसडी कार्ड ऐड करने की, जो कि आप 64 से 128GB तक आराम से खरीद के सेपरेटली लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें भी परचेस करें, आप ₹1000 से ₹1500 तक में इन्हें खरीद सकते हैं Amazon पे डील्स पर आराम से, तब भी आपको ₹1500 तक की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, अगेन अगर आप सिंगल सिम यूजर हैं तो आप 4GB वर्जन के लिए जरूर जाइएगा। हमारा अगला पॉइंट रहेगा एक्सीलेंट स्टोरेज मैनेजमेंट। जी हाँ मित्रों, हम में से कई लोग होंगे जो 64GB स्टोरेज भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उन्हें कभी भी 64 से ज्यादा की जरूरत नहीं हुई, ना उन्हें अपेक्षा रही कि हमें और ज्यादा स्टोरेज लेनी चाहिए। ऐसे केस में दोस्तों, आई थिंक आप फिर से 4GB वर्जन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फालतू की फाइल्स, पिक्चर्स, क्लिप्स टाइमली डिलीट करते रहते हैं, और स्टोरेज को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं कि आप लोग के लिए 64 भी बहुत रहती है। तो दोस्तों, इस केस में अगर आप इस क्लब में आते हैं या इस श्रेणी में आते हैं, तो डेफिनेटली आप 4GB वर्जन के साथ जा सकते हैं। हमारी अगली ऑप्शन रहेगी सिम स्लॉट अडैप्टर। जी दोस्तों, अगर आप सिम स्लॉट अडैप्टर यूज करते हैं, तब भी आप 4GB रैम वर्जन में दो सिम यूज करते हुए उसकी मेमोरी एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि अगर आप ट्रांसपेरेंट कवर यूज करेंगे तो फोन की लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 7 Pro ग्लास पैक फोन है, तो इसका मजा ट्रांसपेरेंट कवर में ही आने वाला है। लेकिन अगर आप स्टिल उसे यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर यूज कर सकते हैं, तो आई थिंक आप स्टिल 4GB वर्जन के साथ जा सकते हैं। हमारी अगली ऑप्शन रहेगी एग्जिस्टिंग सिम ट्रे में दोनों सिम्स प्लस एसडी कार्ड का यूसेज। लेकिन दोस्तों, हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली सिम कार्ड ट्रे डैमेज हो सकती है, और अगर ये डैमेज हुई तो सर्विस सेंटर में आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। आपको ईबे या अमेजोन पे ये मिल जाए, बट देन उसके लिए फिर आपको 500 से 750 का खर्चा करना पड़ सकता है। और तो और, अगर वहां पे भी नहीं मिली तो आपका एक ही सोर्स रह जाएगा, वो है अली एक्सप्रेस, जहां से उसे आने में कम से कम 30 दिन से 45 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट जो हम पिक करेंगे वो रहेगा फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी। तो दोस्तों, अगर आप 48 मेगापिक्सल का एक्सटेंसिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्चर 20MB तक जा सकती है, और किसी केस में हमने 25MB तक भी जाते हुए देखा है, और तो और आप 4K वीडियोस बहुत नहीं बनाएंगे, जो कि आप 60fps पे भी बना सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको उतनी स्टोरेज की जरूरत नहीं रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप 64 मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप 4GB के साथ स्टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 48 मेगापिक्सल का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा 4K वीडियोस का यूज करने वाले हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 128GB का वर्जन ही लीजिएगा, ताकि आपके पास डेटा की कमी ना रहे।
और मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों को बार बार डेटा ट्रांसफर करना भी अच्छा नहीं लगता होगा. सो एक ही एक्टिविटी मंथली या बाय मंथली रहती होगी कि भाई चलो आज हमने एक महीने बाद डेटा ट्रांसफर किया, अब हम आगे जाएंगे. आई थिंक ये मोस्टली ब्लॉगर्स या ब्लॉगर्स होंगे जो इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट रखते होंगे. जी हाँ दोस्तों, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी मेमोरीज इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है. छोटी छोटी क्लिप्स, छोटी छोटी वीडियो वो ऑलवेज अपने फोन में रखते हैं ताकि जब भी देखने का मन हो देख लिया, आज से एक साल पहले हम क्या कर रहे थे. कई लोग होते हैं जिन्हें मूवीज बहुत सारी इकट्ठी करने का मन करता है. आपके फोन में 10-10, 11-11 मूवीज मिल जाएंगी. ट्रैवलिंग होती है उनकी 2-2 घंटे की दिन की, सो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स हो जाता है टाइम पास का. आई थिंक अगर आप उस क्लास में आएंगे तो अगेन आपको स्पेस की डेफिनेटली यूजेज रहेगी और आप 128GB और 6GB वाला वर्जन रख सकते हैं अगर आप अपना डेटा इकट्ठा करके रखते हैं और डिलीट नहीं करते टाइमली. हमारा अगला पॉइंट रहेगा हैवी गेमर्स. या दोस्तों, अगर आप ऐसी गेम्स रखते हैं जो कि साइज में बहुत ज्यादा हैवी हैं और टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना पड़ता है, अगेन वो डेटा साइज बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आप 128GB वर्जन यूज कर सकते हैं. इसमें अगेन एक पॉइंट ये रहेगा कि कुछ लोग शायद इससे कहेंगे नहीं, हम 64 में भी मैनेज कर सकते हैं. अगर मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये वीडियो इसी बारे में है कि आपको क्या 3,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत है. अगर नहीं तो अगेन आपके लिए 128GB वाला वर्जन ही सबसे बढ़िया रहेगा ताकि आपको स्पेस की कभी कमी ना हो और तो और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहे. दोस्तों एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा जो शायद सब कहें कि ये डिस्कस नहीं किया अगर मैंने इसे रेज नहीं किया, रैम मैनेजमेंट. अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है रैम मैनेजमेंट का Redmi Note 7 Pro के साथ वो बहुत बढ़िया नहीं रहा. और तो और शायद आप इस चीज़ से अग्री करेंगे कि पोको की भी रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं रही F1 की. मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी जिसमें पोको F1 की रैम मैनेजमेंट Vivo V11 Pro से भी अच्छी नहीं थी. जी हाँ दोस्तों, आई थिंक अगर रैम मैनेजमेंट ऐसी ही रहने वाली है तो इट्स बेटर कि आप 4GB वर्जन लें, कीपिंग इन माइंड कि आप स्टोरेज कैसे मैनेज करनी आती है. लेकिन रैम मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो आई थिंक 4GB भी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और आपकी एप्स वगैरह रिटेन कर पाएगा. तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी. मैं ये नहीं कहूंगा कि यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस थे, आप और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस सोच सकते हैं. आपको एक पर्सपेक्टिव देना था, एक थॉट देना था ताकि अगर किसी के 3,000 बच सकते हैं, इससे किसी को हेल्प मिले तो उससे बढ़िया क्या बात होगी. तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा और तो और अपना फीडबैक भी दीजिएगा. वंस अगेन दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स. नमस्ते, जय हिंद.